नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे हैं आगरा की यात्रा। इस गद्य में जो भी आगरा के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया है लेखक प्रमिल कुमार जी ने, उसके बारे में हम जानकारी देख रहे हैं। लेखक प्रमिल कुमार, उनकी बहन सौम्या, उनके माता पिता, वे सब घूमने के लिए कहाँ गए हैं? आगरा में गए। कहाँ गए हैं? आगरा में। वहाँ पर वे घूम रहे हैं और वे कहाँ गए? ताजमहल पर आए थे। कहाँ आए थे? ताजमहल देखने के लिए आए थे। और ताजमहल को पास से ही क्या कर रहे हैं? निखार रहे हैं, देख रहे हैं। अब उसके आगे क्या हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी देखना शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं। हाँ, जब वे ताजमहल देख रहे थे तब उनको क्या लगा? ताजमहल के पास ही, ताजमहल को, ताजमहल के दीवार को स्पर्श करके, ताजमहल के पास से ही यमुना नदी बह रही थी। और वह दृश्य देखकर उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि ताजमहल यमुना नदी पर तैर रहा है। क्या हो रहा है? तैर रहा है। हाँ, अब आगे देखो। राजेंद्र जी ने बताया कि आज से लगभग 350 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया था। देखो, राजेंद्र जी उनको सब कुछ बता रहे हैं आगरा के बारे में, ताजमहल के बारे में वे जानकारी दे रहे हैं कि ताजमहल किसने और क्यों बनवाया था। हा? तो उन्होंने क्या बताया है कि यह ताजमहल 350 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में, मुमताज की स्मृति में ताजमहल बनवाया था। हमने ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्रें भी देखी। देखो, शाहजहां और मुमताज की कब्र कहाँ है? ताजमहल में ही है। कहाँ है? ताजमहल में ही है। देखो, आजकल के लोग भी, जो लोग शहीद होते हैं उनकी स्मृतियां रखते हुए वे क्या करते हैं? उनके नाम से स्मारक बनवाते हैं, उनके नाम का स्मारक बनवाते हैं। हाँ या ना? उसी प्रकार यहाँ पर शाहजहां ने क्या किया था? अपनी बेगम कौन? मुमताज महल, उसकी स्मृतियों में रखते हुए यह ताजमहल बनवाया था। कब्रों पर पच्चीकारी द्वारा रंगीन पत्थरों से सुंदर बेल बूटे बनवाए गए थे। वे बहुत सुंदर लगती थी। पच्चीकारी पत्थर पर की गई बारीक खुदाई। पत्थरों पर क्या किया था? बारीक खुदाई की गई थी, मतलब डिजाइन निकाली थी। कब्रों के चारों ओर बनी हुई जाली और ताजमहल का गुंबद भी दर्शनीय है। ताजमहल वास्तव में एक बेहद खूबसूरत इमारत है। उसे देखते मन नहीं भरता। शाम हो चुकी थी, हम लोग घर लौट आए। देखो, वे ताजमहल देख रहे थे और ताजमहल देखते देखते उनको वहाँ पर शाम हो गई है, और शाम होने के कारण, संध्या होने के कारण वे वहाँ से निकल गए हैं, अब घर लौट रहे हैं। भूख लगने लगी थी। अरुणा जी ने गर्म गर्म बेड़िया बनाकर खिलाई। रात को राजेंद्र जी हमें कुल्लड़ का दूध पिलवाने लोहा मंडी बाजार में एक खास हलवाई की दुकान पर ले गए। कुल्लड़ की सऊदी महक वाला दूध पीकर बहुत आनंद आया। जो मस्ती और मिठास आगरा के लोगों की बोलचाल में है, वैसी ही लाजवाब वहाँ की खाने पीने की चीज़ें भी हैं। देखो, शाम को खाना खाया, रात को उन्होंने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद वे कहाँ गए हैं? राजेंद्र जी उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? कुल्लड़ का दूध पिलवाने लेकर गए हैं। और वे कहाँ गए हैं? लोहा मंडी बाजार में गए। कहाँ गए हैं? लोहा मंडी बाजार। वहाँ पर एक उनकी पहचान वाली खास हलवाई की दुकान थी, और उस दुकान पर वे ले गए और उन्हें वहाँ पर
दूध पीने के लिए दिया है। देखो कुल्हड़ की सौंधी महक वाला दूध पीकर बहुत आनंद आया। जो मस्ती और मिठास आगरा के लोगों की बोलचाल में है, वही लाजवाब वहाँ की खाने पीने की चीज़ें भी हैं। अगले दिन हम आगरा का लाल किला देखने गए। देखो अब दूसरे दिन, पहले दिन उन्होंने क्या देखा है, ताजमहल देखा है। दूसरे दिन वे कहाँ जा रहे हैं, लाल किला देखने जा रहे हैं। देखो अगले दिन हम आगरा का लाल किला देखने गए। लाल किला अकबर ने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने, राजा अकबर। जब अकबर का पुत्र जहांगीर बादशाह बना तो उसने अपने दरबार से लाल किले के दरवाजे तक एक जंजीर लगवा दी थी। इस जंजीर को हिलाकर कोई भी व्यक्ति बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। किले में हमने दीवान ए आम, दीवान ए खास, शाही मस्जिद और अन्य कई महल देखे। देखो जब अकबर का पुत्र जहांगीर वह जब बादशाह बना तब उसने क्या किया था, लाल किले का जो दरवाजा था, मुख्य दरवाजा, उस दरवाजे से उसने क्या किया था, एक जंजीर लगवाई थी। और वह जंजीर ऐसी थी कि बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। कोई भी आदमी उस जंजीर को हिलाकर, जंजीर को हिलाकर बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। फरियाद यानी विनती, प्रार्थना। किले में हमने दीवान ए आम, दीवान ए खास, शाही मस्जिद और अन्य कई महल देखे। वह स्थान भी देखा जहां जड़े हुए शीशे में ताजमहल की तस्वीर दिखाई देती थी। जब पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को किले में कैद कर दिया था तो शाहजहां शीशे में देखकर ताजमहल को निहारा करता था। देखो पुत्र औरंगजेब ने किसको कैद किया था, शाहजहां को। किसको कैद किया था, शाहजहां को, मतलब जिसने किला बनवाया था उसे ही क्या किया था, कैद किया था, शाहजहां को कैद किया था। और जब उसे कैद किया था तब शाहजहां क्या करता था, शीशे में देखकर ताजमहल को निहारता था, देखता था उस शीशे में ना? किले में देश विदेश के लोगों की काफी भीड़भाड़ थी। देश विदेश के बाहर के लोग, बाहरी देशों के लोग वहां पर आते थे, अभी भी आते हैं किले को देखने के लिए, किले को निहारने के लिए। किले के बाद हम दयाल बाग स्थित राधा स्वामी मंदिर देखने गए। देखो अब उन्होंने लाल किला देखा है दूसरे दिन, और अभी वे कहाँ निकले हैं, दयाल बाग स्थित जो राधा स्वामी मंदिर है वह राधा स्वामी मंदिर देखने के लिए अब वो निकले हैं। किले के बाद हम दयाल बाग स्थित राधा स्वामी मंदिर देखने गए। इसका निर्माण लगभग 100 वर्षों से हो रहा है। देखो 100 वर्षों से उसका निर्माण हो रहा था। किसका, राधा स्वामी मंदिर का। कहाँ, दयाल बाग में। किले के बाद हम दयाल बाग स्थित राधा स्वामी मंदिर देखने गए। इसका निर्माण लगभग 100 वर्षों से हो रहा है। अभी 2 मंजिलें ही बन पाई हैं। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संगमरमर को बड़ी ही कुशलता से तराश कर सुंदर फल, फूल और बेल बूटे बनाए गए हैं। देखो संगमरमर पर कारीगरी की है, सुंदर फल फूल बनाए हैं, बेल बूटे बनाए हैं। कहाँ, राधा स्वामी मंदिर में जो दयाल बाग स्थित है। यह संगमरमर पर की गई कारीगरी शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। एक दिन हम आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी देखने गए। देखो अब कहाँ गए हैं वे, फतेहपुर सिकरी, और वो कितना दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, आगरा से। एक दिन हम आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी देखने गए। फतेहपुर सिकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। देखो फतेहपुर सिकरी स्थान को किसने बसाया था, बादशाह अकबर ने बसाया था। यह नगर उसकी राजधानी था। कौन सा नगर, फतेहपुर सिकरी, यह जो नगर है यह नगर उस समय की राजधानी थी।
आगरा की राजधानी। एक दिन हम आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी देखने गए। फतेहपुर सिकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। यह नगर उसकी राजधानी था। वहां हमने लाल पत्थरों से बना हुआ विशाल बुलंद दरवाजा देखा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर फूल चढ़ाए। कहा जाता है कि अकबर के कोई संतान नहीं थे। देखो, फतेहपुर सिकरी जब वे गए तब वहां पर उन्होंने क्या देखा है, बुलंद दरवाजा देखा है। क्या देखा है, विशाल लाल पत्थरों से बना हुआ बुलंद दरवाजा देखा है फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर फूल चढ़ाए। कहा जाता है कि अकबर के कोई संतान नहीं थे। शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। देखो, राजा अकबर को, शहंशाह अकबर को, अकबर को पुत्र नहीं था, संतान नहीं होता था। तो शेख सलीम की के चिश्ती के आशीर्वाद से उसे उसको क्या हुआ था, पुत्र हुआ था। और यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। और यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। फतेहपुर सिकरी में हमने पंच महल देखा, दीवान ए आम, दीवान ए खास, बारादरी और कई अन्य महल तथा इमारतें देखी हैं। वहां की प्रसिद्ध मिठाई नान खताई का आनंद उठाया। दोपहर हो चुकी थी। कुछ खा पीकर हम आगरा की ओर चल पड़े। अब वे कहां चल पड़े, फिर से आगरा की ओर चल पड़े हैं। आगरा पहुंचे तो राजेंद्र जी बोले, संध्या होने में अभी समय है, इसलिए आपको क्यों न अकबर का मकबरा दिखा दिया जाए। पिताजी तुरंत तैयार हो गए। हम सिकंदरा मकबरे में गए। वहां हमने अकबर और राज परिवार के लोगों की कब्रें देखी। मकबरे के चारों ओर विशाल और सुंदर उद्यान है। उद्यान में हिरण कुलांचे भर रहे थे। कुलांचे, कुलांचे भरना, उछल उछल कर दौड़ना। कुलांचे भर रहे थे, कुलांचे भरना यानी उछल उछल कर हिरण दौड़ रहे थे। मकबरे के चारों ओर विशाल और सुंदर उद्यान है। उद्यान में हिरण कुलांचे भर रहे थे। एक हिरनी अपने बच्चे के साथ घास खा रही थी। मैं और सौम्या बच्चे को छूना चाहते थे, पर जैसे ही हम उसके पास गए वह अपनी माँ के साथ दूर भाग गया। देखो, अकबर के मकबरे के वहां वे लोग आए हैं और वहां पर वे देख रहे हैं, उद्यान में आए हैं और उद्यान में हिरण क्या कर रहा है, हिरण कुलांचे मार रहे, मतलब उछल उछल कर दौड़ रहे हैं। और तो एक हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सौम्या और लेखक प्रवीण कुमार जी उस बच्चे को हाथ लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे निकट गए तो वह, उसकी माँ और वह बच्चा भी भाग गया है, अपनी माँ के साथ दूर भाग गया। एक स्थान पर लंगूर उछल कूद कर रहे थे। कुछ लोग उनको चने खिला रहे थे। मैंने और सौम्या ने भी उन्हें चने खिलाए। लंगूरों को चने खिलाते हुए फोटो भी खिंचवाया। चारों ओर का खुला खुला हरा भरा वातावरण बड़ा सुहावना लग रहा था। एक व्यक्ति एल्बम बेच रहा था। मैंने उससे आगरा की ऐतिहासिक इमारतों वाला एल्बम खरीदा। देखो, उन्होंने लंगूर को चने खिलवाते हुए क्या किए हैं, फोटो भी खिंचवाए। और लेखक ने क्या किया है, एक व्यक्ति एल्बम बेच रहा था तो उससे आगरा की ऐतिहासिक इमारतों वाला एक एल्बम भी उसने क्या किया है, खरीदा है। किसने खरीदा है, लेखक प्रमिल कुमार जी ने। वही पास ही में स्थित अकबर की ईसाई बेगम मरियम का सुंदर मकबरा भी देखा।
घूमने में समय का पता ही नहीं चला, 4:30 बज रहे थे। राजेंद्र जी बोले, आज आपको एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में ले चलेंगे। अभी घर चलकर 2 घंटे विश्राम करते हैं। हम राजेंद्र जी के घर लौट आए। घर पर मितेन अपने मित्र अनिल जैन के साथ कुछ संवाद दोहरा रहा था। उन्हें रात के कार्यक्रम में एक नाटक में अभिनय करना था। देखो, वे अब घर आए हैं और घर आने के बाद राजेंद्र जी ने उन्हें बोला है कि आज शाम को मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ, और जब वे घर आए तब उन्होंने देखा उनका लड़का मितेन उनके मित्र के साथ क्या कर रहा था, कुछ संवाद कर रहा था, अभिनय मतलब नाटक का संवाद कर रहा था। नाटक में जो अभिनय करना था उसके संवाद उनका सराव कर रहा था। आगे देखो, 7 बजे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाने सूर सदन प्रेक्षागृह पहुंचे। अब देखो, शाम को 7 बजे हैं और 7 बजे वे कहाँ पहुंचे हैं, सूर सदन प्रेक्षागृह में पहुंचे हैं। किस काम के लिए, क्या देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए। संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही थी। कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर जितेंद्र ने दर्शकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के संचालक कौन थे, जितेंद्र जी। उन्होंने क्या किया है, दर्शकों का क्या किया है, स्वागत किया है, मतलब जो लोग नाटक देखने के लिए आए थे उनका स्वागत किया है। रूसी कलाकारों के नृत्य से कार्यक्रम आरंभ हुआ। बैले नृत्य और जाज नृत्य के समय रूसी कलाकारों के शारीरिक संतुलन लय के साथ एक रस होकर सामूहिक अंग संचालन उनकी सदी हुई मनोहारी भाव भंगिमाओं तथा स्वच्छंद किंतु अनुशासित उछल कूद ने दर्शकों को बांध लिया था। देखो, एक नृत्य था, शुरू में एक नृत्य से क्या किया है, कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और उसमें कलाकारों ने क्या किया है, ये भाव भंगिमाओं तथा स्वच्छंद किंतु अनुशासित उछल कूद करके दर्शकों को बांध लिया है, उनका मन मोह लिया है, दर्शकों का मन मोह लिया है। रंग बिरंगे प्रकाश प्रभाव और संगीत से रूसी कार्यक्रम और भी मंत्रमुग्धकारी बन गया। मंत्रमुग्धकारी यानी मंत्र के समान मोह में बांध लेने वाला बन गया, मुग्ध कर देने वाला। इस कार्यक्रम ने सभी को क्या किया है, मुग्ध कर दिया है, मंत्रमुग्ध कर दिया है। रंग बिरंगे प्रकाश प्रभाव और संगीत से रूसी कार्यक्रम और भी मंत्रमुग्धकारी बन गया था। इसके बाद आगरा इष्ट के कलाकारों ने विशाल रियाज द्वारा लिखित नाटक क्या कहने आगरा के प्रस्तुत किया। देखो, अब बारी किस पर आई थी, नाटक पर। कौन सा नाटक, क्या कहने आगरा के, नाटक का नाम क्या था, क्या कहने आगरा के। इस नाटक को प्रस्तुत किया है। नाटक में आगरा के जूता निर्माण करने वाले कारागिरों की समस्याओं और लोगों की आपसी नोकझोंक को बड़े ही मनोरंजक ढंग से दिखाया गया। मितेन और अनिल की भूमिका अच्छी थी। कलाकार दिलीप और राम सेवक ने खूब हंसाया। देखो, उस नाटक में कलाकार अनिल मितेन और अनिल कलाकार मितेन और अनिल की भूमिका बहुत ही अच्छी थी और कलाकार दिलीप और राम सेवक ने भी लोगों को खूब हंसाया। जूते निर्माण करने वाले जो कारीगर थे, उनकी समस्याओं पर आधारित यह नाटक था, यह कार्यक्रम था। जूते निर्माण करने वाले जो कारीगर थे उनकी समस्या पर आधारित यह नाटक था। राजेंद्र जी अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार होने के साथ साथ प्रख्यात नाट्यकर्मी भी थे। देखो, राजेंद्र जी क्या करते थे, वे पत्रकार थे। उजाला समाचार पत्र, कौन सा, अमर उजाला। राजेंद्र जी अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार थे। कहां वे पत्रकार थे, अमर उजाला समाचार पत्र। राजेंद्र जी अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार होने के साथ साथ प्रख्यात नाट्यकर्मी भी
है। नाटक खत्म होने के बाद वे हमें ग्रीन रूम में ले गए। अब ग्रीन रूम यानी क्या? ग्रीन रूम यानी कौन सा रूम? ग्रीन रूम वह कमरा जहां कलाकार मंच प्रस्तुति हेतु तैयार होते हैं, मंच पर जाने के लिए तैयार होते हैं, उस कमरे को क्या कहा जाता है? ग्रीन रूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन रूम। ग्रीन रूम यानी वह कमरा जहां कलाकार मंच प्रस्तुति हेतु तैयार होते हैं। देखो अब वे राजेंद्र जी उन्हें कहां लेकर गए हैं? ग्रीन रूम में लेकर गए हैं। आगे देखो, नाटक खत्म होने के बाद वे हमें ग्रीन रूम में ले गए, सभी कलाकारों से हमारा परिचय करवाया। कलाकारों के रंगे उते चेहरे और नकली दाढ़ी मूंछ देखकर मेरा मन भी नाटक करने को कर रहा था। किसका मन? लेखक का मन, लेखक प्रमिल कुमार जी का मन नाटक करने को कह रहा था। हाँ, उन कलाकारों को देखकर, उनकी नकली दाढ़ी देखकर, मूंछें देखकर राजेंद्र जी ने शायद मेरे हाव भाव पढ़ लिए थे। वे बोले, हम गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नाटक एवं गीत संगीत सिखाने के लिए शिविर लगाते हैं, तुम भी इस बार शिविर में भाग लेने अवश्य आना। कलाकारों से विदा लेकर हम बाहर आ गए। देखो, लेखक बोल रहा है कि मेरे हावभाव को पहचाना है, किसने? राजेंद्र जी ने। और मेरे हावभाव को पहचान कर उन्होंने क्या बोला है? गर्मी की छुट्टियों में, वे बोले कि गर्मी की छुट्टियों में हम क्या करने वाले हैं? बच्चों को नाटक एवं गीत संगीत सिखाने के लिए एक शिविर लगवाने वाले हैं। हाँ, तो उसमें भाग लेने के लिए आप भी आ जाओ। राजेंद्र जी ठहाके लगाने वाले सरल, सौम्य और फकीराना अंदाज के व्यक्ति हैं। वे पिताजी से बोले, सवेरे तो आप जा ही रहे हैं, चलते चलते आगरा के प्रसिद्ध राम बाबू के पराठे तो खा लीजिए। देखो अब ये राजेंद्र जी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? लेखक के पिताजी को, कि कल सुबह आप लोग जाने वाले हैं, आप गांव जाने वाले हैं, तो अभी हम क्या करते हैं? आगरा के प्रसिद्ध राम बाबू के पराठे खा लेते हैं। हा? अब बेलनगंज के अलावा संजय प्लेस में भी एक दुकान खुल गई है। सुर सदन से कुछ ही दूर पर राम बाबू की दुकान थी, वहां हमने तरह तरह के स्वादिष्ट पराठे खाए। ऐसे तरह तरह के उम्दा पराठे मैंने पहले न कभी देखे थे न और न खाए थे। आगरा में 3-4 दिन बिताने के बाद हम लोग घर लौट आए। वापस आते समय रेलगाड़ी में मुझे आगरा के दर्शनीय स्थलों का स्मरण आता रहा। आगरा के लोग कितने मिष्टभाषी हैं, मेहमान का कितना आदर सत्कार करते हैं, मैं वह यात्रा कभी नहीं भूल सकता। देखो, जब वे आगरा से लौट रहे थे, तब लौटते समय आगरा में लेखक ने जो भी कुछ देखा, जो भी अनुभव किया, वह सब उसका स्मरण आ रहा था। हाँ? किसको? लेखक को उसका स्मरण आ रहा था। हाँ? और वह सोच रहा था कि आगरा के लोग कितने मिष्टभाषी हैं, कितने मिष्टभाषी, मिष्टभाषी यानी मीठा बोलने वाले, उनके बोलने में मिठास है, जिनके बोलने में मिठास होती है उन्हें मिष्टभाषी कहा जाता है। हाँ, वे कितने मिष्टभाषी हैं, मेहमान का कितना आदर सत्कार करते हैं। हाँ, कितने मिष्टभाषी हैं, मेहमान का कितना आदर सत्कार करते हैं, और इसलिए मैं इस यात्रा को कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसा कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहा है, लेखक प्रमिल कुमार जी सोच रहे हैं, और वे यात्रा कर रहे हैं। वे यात्रा करते हुए कहाँ आ रहे हैं? उनके गांव आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? उनके गांव। उनके गांव मतलब कहाँ? सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा यह जो गद्य है, आगरा की यात्रा, वह गद्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। धन्यवाद।